भववत् विजयी भव। जब पितामह अर्जुन के रोके नहीं रुक रहे हैं तो भला हम में से उन्हें कौन रोक पाएगा? मुझे आज्ञा दीजिए ज्येष्ठ पिताश्री। तो ठीक है, जाओ वत्स। चलो सारथी। अपना परिचय दो बालक। मैं वासुदेव कृष्ण का शिष्य और गंगा पुत्र भीष्म के पौत्र अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु हूं। ये वीर गति को प्राप्त होने की आयु नहीं है आयुष्मान। वीर गति को प्राप्त होने की कोई आयु नहीं होती पितामह, और यदि होती हो तो मैं कदाचित अभी उस आयु तक नहीं पहुंचा हूं, किंतु आप तो उस आयु की सीमा को पार कर चुके हैं पितामह। और फिर यह तो किसी भी योद्धा के लिए बड़े सौभाग्य का अवसर है कि उसे अपने जीवन का पहला युद्ध आपसे करना पड़े। इसलिए मुझे आज्ञा के साथ साथ आशीर्वाद भी दीजिए पितामह। हे विधाता, तू किस किस को मेरा प्रतिद्वंद्वी बना रहा है? सावधान वत्स, सावधान। हे महाराज, मुझसे ये युद्ध देखा नहीं जा रहा। क्यों क्यों? क्या हमारी सेनाओं के पांव अभी से उखड़ने लगे? नहीं महाराज। तो मेरे पुत्र तो सुरक्षित है ना? जी महाराज। यदि मेरी सेनाओं के पांव भी नहीं उखड़ रहे हैं और मेरे पुत्र भी सुरक्षित हैं, तो फिर क्या नहीं देखा जा रहा है तुमसे? ताश्री तो वीरगति को प्राप्त नहीं हो गए? नहीं महाराज,
वे कैसे वीर गति को प्राप्त होंगे? उनके पास तो इच्छा मृत्यु का वरदान है। जब तक वे हस्तिनापुर को चहु ओर से सुरक्षित नहीं देख लेंगे, तब तक तो वे प्राण त्याग ही नहीं सकते। किंतु हे महाराज, वहां अर्जुन पुत्र अभिमन्यु पितामह से युद्ध कर रहा है। जिन हाथों को पितामह के चरणों की ओर जाना चाहिए था, वे ही धनुष पकड़े हुए हैं, और जिन हाथों को आशीर्वाद के लिए उठना चाहिए था, वे ही वाण चला रहे हैं। भरत वंश के सारे वृद्ध, सारे तरुण और सारे बालक घायल हैं, किंतु लहू तो भरत वंश ही का बह रहा है न महाराज? शूरवीरों का लहू तो बहने ही के लिए होता है संजय। वीरों के लिए घाव तो पारितोषिक की भांति होते हैं। जैसे जैसे घाव बढ़ते जाते हैं, वैसे ही वैसे उत्साह भी बढ़ता जाता है। कुरुक्षेत्र की दिशा में देखते रहो और मुझे मेरे पुत्रों का समाचार देते रहो। मेरे पुत्र दुशासन की सुनाओ, क्योंकि मेरे कान में कुंती पुत्र भीम की प्रतिज्ञा अभी तक गूंज रही है। जो आज्ञा। इस समय तो राजकुमार दुशासन का युद्ध माद्री नंदन नकुल से हो रहा है महाराज। आयुष्मान भव वत्स, आयुष्मान भव। ये भरत वंश अर्जुन ही की भांति तुम पर भी सदैव गर्व करता रहेगा। तुम्हारे बाणों ने मेरी वृद्ध आंखों की ज्योति बढ़ा दी है वत्स। धन्य है वो वंश जिसमें तुम जैसे योद्धा ने जन्म लिया है। किंतु मेरे और तुम्हारे बीच इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकल सकता वत्स, क्योंकि मैं तुम्हारे प्राण लूंगा नहीं और तुम मेरे प्राण ले नहीं सकते। इसलिए अपना रथ कहीं और ले जाओ वत्स, कहीं और ले जाओ। क्षमा चाहता हूं पितामह, मेरा रथ दूसरी ओर नहीं जा सकता। मैं आपको रोकने के लिए आया हूं। मैं तुमसे नहीं रोका जाऊंगा वत्स, नहीं रोका जाऊंगा। सारथी, रथ आगे बढ़ाओ।
अर्जुन अपने पुत्र को ले जाओ, वो मेरा मार्ग रोक रहा है। पितामह, आप मेरे प्रधान सेनापति हैं या उन पांडवों के? सारथी, रथ पितामह की ओर ले चलो। बस कर वत्स, बस कर, रुक जा। मैं तेरी मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहता। महादेव की सौगंध, यदि आज मैं ये देख रहा होता कि हस्तिनापुर सुरक्षित है, तो आज तेरी इस वीरता पर मैं अपने प्राण तेरी विजय का पारितोषिक मानकर तेरे किसी बाण की नोक पर रख देता। वत्स, तेरे किसी बाण की नोक पर रख देता। पितामह, हस्तिनापुर की सुरक्षा के लिए मैं इस असभ्य बालक के प्राण अपने बाण की नोक पर रखकर आपकी भेंट किए देता हूं। मैं आप ही को ढूंढ रहा था तौश्री, किंतु आप मेरे बड़ों के ऋणी, इसलिए आपका वध करके मैं अपने बड़ों का अपमान नहीं करना चाहता। बलि भीम के वचन का रखने को सम्मान, झुका दिए अभिमन्यु ने अपने तीर कमान।